केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं यानी मिश्रा। देश दुनिया और संथाल की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। भारत बंद, झारखंड में नक्सली ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनें रद्द। माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस व उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तार के विरोध में नक्सलियों का भारत बंद शुरू हो गया है। यह बंद शुक्रवार की रात 12 बजे से शनिवार की रात 12 बजे तक रहेगा। इसे लेकर राज्य भर में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने टोरी रेलखंड पर तांडव मचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने टोरी रेचूघाट डैम स्टेशन का रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है, जिसके कारण कई ट्रेनों की रूट में बदलाव किए गए हैं। वहीं करतारपुर में पिछली बार बजवा को गले लगाने वाले सिद्धू ने इमरान खान को बताया अपना बड़ा भाई, बीजेपी ने घेरा। करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए पाकिस्तान पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पाक सेना चीफ बजवा को गले लगाकर विपक्ष के निशाने पर आए सिद्धू ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। इसका वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धू को घेरा है। करतारपुर के सीईओ ने सिद्धू का स्वागत करते हुए कहा, इमरान खान की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस पर सिद्धू ने कहा, इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं, उसने मुझे बहुत प्यार दिया है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,302 केस दर्ज, 267 की मौत। कोरोना के एक्टिव केस में रिकॉर्ड गिरावट, आधे से ज्यादा नए मामले अगले। केरल में पिछले 24 घंटे में उपचारधीन मरीजों की संख्या में 1,752 मामलों की कमी आई है और यह संक्रमण के कुल मामलों का 0.36% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। कोरोना में स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.29% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा कम है। वहीं छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य, इंदौर सबसे साफ शहर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का अवार्ड मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर जीता है। वहीं भारत न्यूजीलैंड के दूसरे T20 मुकाबले में सुनील गावस्कर भी झारखंड के रंग में रंगे नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी झारखंड के रंग में रंगे नजर आए। गावस्कर आदिवासी लड़की हेमा मुंडा द्वारा बनाई गई पत्ते की टोपी पहने हुए नजर आए। आयोजित करते हैं झारखंड की मुख्य खबर की ओर। खबर गोड्डा की है। मतदान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। गोड्डा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी गोड्डा श्री अनिल गुड्डू के द्वारा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पूर्व निरीक्षण कार्यक्रम 2022 के व्यापार प्रसार प्रचार हेतु मतदान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। उक्त वाहन सभी प्रखंड क्षेत्रों में घूम घूमकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के संबंध में प्रचार प्रसार करेगी। जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को विशेष भाग लेने हेतु प्रेरित करेगा। 1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं त्रुटि का सुधार करने हेतु मतदान केंद्र स्तर पर BLO के द्वारा प्रपत्र भरा जा सकता है। वैसे नागरिक जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो रही है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु प्रपत्र 6 से आवेदन कर सकते हैं। वहीं गोड्डा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। आज उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव के द्वारा नगर निगम परिसर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में रोतारा चौक के दुर्गा मंदिर के समीप आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आम जनों की समस्या के समाधान के लिए आयोजित शिविर लगाए गए। उनके स्टॉल
का निरीक्षण करते हुए विभाग वार सदस्यों को सुनाए गए एवं उनके समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही इस मौके पर उपायुक्त महोदय ने स्वास्थ्य शिविर में जाकर खुद ही भी स्वास्थ्य जांच कराई। उपायुक्त महोदय ने उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खबर देवघर की है। आज देवघर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसान मंत्री को कृषि संबंधित वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने एवं उनकी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि किसान को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। यह कार्यक्रम आपके अधिकार आपके द्वार योजना के तहत की गई है। कल ही देवघर के डीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके कार्यक्रम के क्रियान्वयन व शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। खबर साहिबगंज की है। साहिबगंज मंडियों पतना एवं राजमहल प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत कैंप लगाए गए। उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के सभी पंचायतों में कैंप लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी एवं उसका लाभ भी दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज मंडरू प्रखंड के बच्चा पंचायत साहिबगंज के गंगा प्रसाद, पूर्व मध्य पंचायत पटना प्रखंड के अर्जुनपुर तथा राजमहल के दाहूटोला पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत उक्त सभी पंचायतों में विभागीय स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही सभी जगहों पर मनरेगा अंतर्गत मजदूरों का पंजीकरण, जॉब कार्ड, पेंशन संबंधित योजनाओं का लाभ, स्वीकृति पत्र वितरित, किसानों को केसीसी ऋण के बारे में जानकारी देते हुए उनका आवेदन लिया गया। कैंप के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों के बीच कम्बल का भी वितरण किया गया। वही देवघर में ही भूतपूर्व सैनिकों का दल मशाल लेकर साहिबगंज पहुँचा। आज मुक्तेश्वर घाट साहिबगंज में गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों के दल द्वारा गंगा मशाल लाया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम के द्वारा विधायक राजमहल अनंत ओझा एवं जिले के वरीय पदाधिकारी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के दल का स्वागत किया गया। यह गंगा मशाल शनिवार को पूरे दिन साहिबगंज में रहा, जहां विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को गंगा घाटों को साफ सुथरा रखने, यहां रहने वाले लोगों को भी इसके प्रेरित करने, अपने घरों में गंदा पानी को निपटारा के लिए सोखता गड्ढा बनाने, शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करने, सिंगल उपयोग की वस्तुओं का उपयोगी निपटारा करने एवं दोबारा उसका उपयोग ना करने, केमिकल मूर्तियों का विसर्जन गंगा में ना करने की शपथ दिलाई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।